नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए कई तरह की दवाइयों की मांगों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। विशेषकर कोरोना की दूसरी लहर में इसकी गंभीरता को देखते हुए लोगों ने कई तरह की एंटीबायोटिक दवाइयों का खुद से भी सेवन शुरू कर दिया है। इसी संबंध में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में विशेषज्ञों ने लोगों को आने वाली समय में बड़ी मुसीबत को लेकर चेताया है। विशेषज्ञों ने बताया है कि कोरोना के समय में कई तरह की शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण भारत में एक नए तरह के सुपर बग ने जन्म लिया है। एंटीबायोटिक दवाओं के बहुत ज्यादा इस्तेमाल के कारण देश में बैक्टीरियल और फंगल संक्रमणों का खतरा अधिक बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बताया जा रहा है। इन्फेक्शन एंड ड्रग रजिस्ट्रेशन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में दावा किया गया कि भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बढ़ गया है। इसके गंभीर असर देखने को मिल सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के माइक्रोबायोलॉजिस्ट कामनी वालिया कहती हैं कि देश में पहले से ही एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है। इस बीच कोरोना के समय में अत्यधिक एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल इसे और गंभीर बना सकता है। बता दें, सुपरबग एक तरह का बैक्टीरिया होता है। नए सुपरबग एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। कोविड के समय में लोग घबरा कर कई तरह की हाई पावर एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के कारण अतिरिक्त संक्रमण के चलते 60% से अधिक कोविड रोगियों की मृत्यु के मामले सामने आए हैं। वहीं जिन लोगों में इस तरह की दिक्कतें नहीं पाई गई, उनकी मृत्यु दर 11% के करीब देखी गई है। शोधकर्ताओं ने पाया कि मरने वाला ज्यादातर मरीज मधुमेह, उच्च रक्तचाप समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित थे, जिससे उनकी हालत खराब हो गई।